हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी फाफड़ा खमन ढोकला की कढ़ी किस तरह से बनानी है। इसके लिए मैंने लिया नमक, दो हरी मिर्च, राई दाना, शक्कर, हींग, कड़ी पत्ता, एक गिलास पानी, आधा नींबू। मैंने एक बाउल में 3 चम्मच बेसन लिया है, अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें गांठ नहीं पड़नी चाहिए, इसको अच्छी तरह से हिलाना है। पूरा अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखिए मिक्स हो गया है, अभी इसमें पूरा पानी डालेंगे हम। इसको कंटिन्यू हिलाते रहना है, गांठ नहीं पड़नी चाहिए। अभी हम डालेंगे 2 चम्मच शक्कर, नमक स्वाद के अनुसार। ढोकले के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप देख सकते हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, तड़का लगाने के लिए मैंने छोटी चम्मच जितना ऑयल लिया है, ज़्यादा नहीं डालना है। अभी हम डालेंगे 1 चम्मच राई, 2 बारीक कटिंग हरी मिर्ची, इस तरह से कटिंग करनी है, 8-10 कड़ी पत्ते, 1 चटकने लग गए हैं। अभी हम इसमें डालेंगे एक घोल बनाया हुआ, हिलाते हुए डालना है ताकि सारा मसाला नीचे नहीं रहे। और इसको अच्छी तरह से हिलाना है। आधी ग्लास हम पानी और डालेंगे। थोड़ी सी हींग डालनी है, हींग से खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी हमारी कढ़ी की। देखिए अब इसमें उबाल आने लग गया है और ये थोड़ी जाड़ी भी पड़ने लग गई है। जब ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तब हम इसमें डालेंगे नींबू। शक्कर डाली है तो नींबू डालेंगे तो खट्टा मीठा टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसको हम फाफड़ा खमन ढोकला भजी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लगती है।